फ्रेंड्स, वेलकम आरसीआई ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। एक बार फिर से भौतिक विज्ञान की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीमा एवं बीमे विश्लेषण। बीमा और बीमे विश्लेषण भौतिक विज्ञान में बहुत ही कौतूहलपूर्ण और महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है ये। इसको देखो, बीमाएं जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन बीमाओं में बनते हैं। तो पहले सबसे पहले हम बीमाओं को समझते हैं, बीमाएं हैं क्या। तो सबसे पहले बीमाओं को समझने से पहले आपने मेरी प्रीवियस क्लास देखी होगी जिसमें हमने भौतिक राशियों को समझाया था। भौतिक राशियां जो है बेटा, अगर हम बात करें जो भौतिक राशियां हैं वो कितने प्रकार की थी, वो कितने दो प्रकार की। एक तो क्या थी, मूल भौतिक राशियां, मूल राशियां, और दूसरा कौन सी थी, व्युत्पन्न राशियां। चाल की
गणना करनी है तो आपको क्या क्या चाहिए, दूरी चाहिए और समय। इसका मतलब चाल क्या है, चाल व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीमा, जो बीमा है आपकी वो क्या है। तो देखो भौतिक राशियां समझ आ गई होंगी, तो अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं बीमा। देखो बेटा बीमा, बीमा अगर परिभाषा की बात करें तो मूल राशियों के ऊपर लगाई गई घात, मूल राशियों के जो सिंबल हैं उनके ऊपर लगाई गई घात को बीमा कहते हैं। ठीक है, यानी कि जितनी भी व्युत्पन्न राशियां हैं उनको मूल राशियों में तोड़कर उनके ऊपर लगाई गई घात वो कहलाती है आपकी बीमा। ठीक है, चेक करते हैं उदाहरण से। जैसे मैंने अभी उदाहरण लिया था चार, चार क्या होता है, दूरी बटे समय। बोलो इंकर, अब हमें चाल की बीमा लिखनी है तो हम क्या करते हैं, पहले आप लिखेंगे चाल बराबर, अच्छा समय को ऊपर ले जाए, समय की घात कितनी है एक और दूरी की घात कितनी है एक, तो हम लिख सकते हैं दूरी की पावर एक गुणा, इस समय को गुणा में ले जाएंगे यानी कि हर से अंश में लेते जाएंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं समय की पावर माइनस एक। ये प्लस की घात एक थी, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की चिन्ह बदल जाता है, अगर यहां माइनस होता तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अच्छा अच्छा, दूरी को क्या लिखते हैं, दूरी का सिंबल है एल, बड़ा एल। ठीक है, मैं कुछ बता देता हूं, देखो द्रव्यमान को हम लिखते हैं एम, दूरी को लिखते हैं एल, समय को लिखते हैं टी। ठीक है, अच्छा मुख्य बीमाएं जो है वो बड़े कोष्ठक में और जो मूल राशियां उन पे घात चढ़ा के दर्शाते हैं। तो यहां पे दूरी आ गई एल वन, क्योंकि दूरी को एल लिख दिया, पावर एक है, समय को क्या लिख सकते हैं टी, और टी की पावर कितनी है माइनस का एक। लेकिन बीमाएं कैसे लिखते हैं बड़े कोष्ठक में, तो ये बड़ा कोष्ठक, ठीक है, बड़े कोष्ठक में जितनी भी मूल राशियां हैं उनको लिख देते हैं एम एल टी। मूल राशियां तो सात हैं लेकिन मुख्यतः कितनी काम आ रही है टी, तो हमने एम, एम किसको दर्शा रहा है द्रव्यमान को, एम किसको दर्शा रहा है द्रव्यमान को, एल किसको दर्शा रहा है दूरी को या लंबाई को या विस्थापन को, और टी किसको दर्शा रहा है समय को। बोलो नहीं क्या, इसका मतलब घात कराते हैं, क्या इस चाल में कहीं पर भी द्रव्यमान है, नहीं है तो द्रव्यमान की पावर कितनी आएगी घात, अरे द्रव्यमान की घात बताओ, द्रव्यमान की घात जीरो। अच्छा दूरी की घात कितनी है एक, और समय की घात कितनी है माइनस एक। बोलो नहीं क्या, तो चाल की बीमा क्या आ गई, चाल की बीमा बोली जाती है एम जीरो एल वन टी माइनस वन। अरे बोलो नहीं क्या, अच्छा ये जो एम जीरो एल वन टी माइनस वन आया है ये है इसका बीमीय विश्लेषण, इसको बोलते हैं बीमीय समीकरण। इसको क्या नाम दे दिया आपने, इसको फिजिक्स में बीमीय समीकरण कहते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं बीमीय समीकरण। क्लियर, अच्छा अब दोबारा से एक बार फिर से देखिए, बीमाएं किसको बोलते हैं, बीमाएं उनको मूल भौतिक राशियों को, बीमाएं जो है वो भौतिक राशियां जिनको मूल राशियों में बदलकर मूल राशियों के जो सिंबल है, जो सिंबल का मतलब ये साइन है जिनसे दर्शाते हैं उनके ऊपर लगाई गई घात। ठीक है, और बीमा समीकरण किसको बोलते हैं, जो बीमा बनके तैयार हुई है वो कहलाती है बीमा समीकरण। बात समझ में आई क्या, एक और उदाहरण ले आयतन का, आयतन तो आयतन को क्या लिख सकते हैं बेटा, आयतन का सूत्र सबको पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। ध्यान है क्या, तो आपके पास क्या जाएगा, लंबाई जो है, लंबाई भी दूरी है, चौड़ाई भी दूरी है और ऊंचाई भी क्या है दूरी। भाई तीनों को दूरी से तो मापेंगे, ऊंचाई को कैसे मापोगे, ऊंचाई को भी इंची टेप से, चौड़ाई को,
चौड़ाई को भी इंच टेप से और लंबाई को भी इंच टेप से, तो दूरी की बात कितनी आ गई, दूरी की बात आ गई तीन। अच्छा अब हम इसको बीमा में लिखना चाहें तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, आयतन की बीमा आ जाएगी। बीमा के लिए बड़ा कोष्ठक, तीन मूल राशि कौन कौन सी, एमएलटी एमएलटी। अब घात लगाओ तो ये एम द्रव्यमान है, द्रव्यमान इसमें है ही नहीं, तो द्रव्यमान की पावर कितनी, घात कितनी, जीरो। ठीक है, दूसरा क्या लंबाई है, लंबाई को है कितनी है, लंबाई लंबाई की घात तीन है। क्या समय है इसमें, आयतन में कहीं पर भी समय का आया जिक्र नहीं आया, तो समय का है जी। तो भाई आयतन की सीमा क्या हो गई, एम जीरो एल क्यू टी जीरो, बोलो नहीं क्या। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, मात्रा। ठीक है, इसका मात्रा देखो तो दूरी का मात्रा क्या होता है बेटा, मीटर। एमकेएस पद्धति में पढ़ा रखा आपको, इसका भी मीटर इसका भी मीटर, तो मीटर की घात कितनी, तो इसका मात्रक आ जाएगा मीटर की घात, यानी कि इसको बोलते हैं मीटर क्यूब। अच्छा इसकी बताओ, इसका मात्रक, इसका मात्रक हम याद करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, इसका मात्रक आ जाएगा दूरी का मात्रक मीटर, ठीक है, और समय का मात्रक बटे समय का मात्रक सेकंड। समय को हम किस में मापते हैं, सेकंड में, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं मीटर प्रति सेकंड, बोलने का तरीका है मीटर प्रति सेकंड। अच्छा इसको फिजिक्स में ऐसे भी लिख देते हैं, मीटर और समय को ऊपर ले जाएंगे तो ये सेकंड इनवर्स, माइनस एक लगा दिए क्या बोला जाता है, सेकंड इनवर्स, तो ये आ गया मीटर इनटू सेकंड इनवर्स। सिंबल में लिखेंगे तो मीटर के लिए हम यूज करते हैं छोटा एम, और सेकंड के लिए यूज करते हैं एस, और पावर कितनी है इसकी, माइनस एक, तो ये बोल दिया अपन ने मीटर इनटू सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये होती है आपकी बीमाएं और बीमे विश्लेषण। कल हम क्या करेंगे, जितने भी भौतिक राशियां हैं सबको नंबर वाइज से लिखेंगे, सबकी बीमाएं और मात्रा कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आज के लिए तो इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद।